व्हाट्सएप के अमेरिकी अधिकारियों और भारतीय कामकाज से जुड़े सीनियर अधिकारियों ने फेक न्यूज पर लगाम लगाने के लिए चुनाव आयोग से मुलाकात की है। इसके अलावा इन अधिकारियों ने बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं से भी मुलाकात की है, क्योंकि अगले साल भारत में लोकसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में व्हाट्सएप का कहना है कि वो अपने प्लेटफॉर्म का दुरुपयोग रोकने की कोशिश कर रहे हैं। जानकारी के मुताबिक व्हाट्सएप अधिकारियों ने चुनाव आयोग से कहा है कि फेसबुक की तरह वो इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले आपत्तिजनक कंटेंट को फिल्टर करेगी। साथ ही जानकारी के लिए बता दें कि इस मैसेजिंग सर्विस की मालिक फेसबुक ही है। उसने कहा कि वो भारत में फेक न्यूज वेरिफिकेशन मॉडल का इस्तेमाल करेगी। इसका उपयोग उसने हाल में मेक्सिको के आम चुनाव में किया था। व्हाट्सएप के मामलों के एक जानकार ने बताया कि चुनाव आयोग कांग्रेस और बीजेपी के साथ मीटिंग करने वाली टीम में रिसर्चरों के अलावा पब्लिक पॉलिसी, कस्टमर ऑपरेशंस और बिजनेस डेवलपमेंट से डील करने वाले अधिकारी थे। अभी भारत में मौजूद व्हाट्सएप की यह टीम बड़े भारतीय बैंकों के प्रतिनिधियों से भी मिलेगी, जिनको इसे अपने पीयर टू पीयर डिजिटल पेमेंट सॉल्यूशन में पार्टनर बनाना है। आयोग और व्हाट्सएप के अधिकारियों ने बताया कि 2018 के अंत में होने वाले विधानसभा चुनावों के दौरान मॉनिटरिंग के प्रयासों से मिले सबक का उपयोग 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान किया जाएगा।